देश विदेश में फैले हुए सभी हमारे गुरुकुल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हमारे चहेते, उनको हम दोनों का, निर्जरा चिट्टी और आनंद चिट्टी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक है नाग पंचमी। नाग पंचमी त्यौहार बारिश के सीज़न में आता है और पूरी दुनिया में लगभग उसको मनाया जाता है। भारतवर्ष में, उसमें भी खासकर महाराष्ट्र में उसकी चर्चा होती है और देश में सबसे बड़ा उत्सव जो मनाया जाता है, सांगली जिले में बत्ती शिराला करके नाम गांव है, वहाँ पर थोड़ी सी ये जो परंपरा है उसको पर्यावरण के कारण या सांपों को सुरक्षा के कारण उसमें कुछ बदलाव लाया गया है, फिर भी वहाँ पर श्रद्धालु मनाते हैं। हम सभी भारतीय जो है नाग सांपों को भगवान जैसा दर्जा देते हैं और वही नाग पंचमी कहलाती है। सांप तो सबसे प्राणी ऐसे ही है, एक दूसरे का जुड़ी हुई है, लेकिन नाग को खास दर्जा जो नाग पंचमी नाम आता है, किसी और सांप का नाम नहीं आता, इसलिए खासकर नाग के बारे में, नाग जो प्राणी है उसके बारे में विशेषताएँ हैं, उसमें जो विशेषताएँ जुड़ी जाती है वो है उसको भगवान मानते हैं। अन्य सांपों की पूजा नहीं, उसकी पूजा करती है, उसकी मूर्ति की पूजा की जाती है। तो हमारे जो काफ़ी दर्शक हैं वो गांव में, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, हम भी बचपन में झूला उसमें बैठते थे, नागपंचमी त्यौहार आया तो लड्डू बनाए जाते थे और मैं भी दूध वगैरह डालने के लिए सांपों को जाता, मैं भी जाता था, तो हम भी उस काम से जुड़े हुए हैं। निर्जरा जी को भी पूछना चाहेंगे कि वो किस तरह से नागपंचमी मनाते थे, मेरी नागपंचमी के बारे में उनके बाद मैं मेरी बात रखूँगा। जैसे कि सभी लोग नागपंचमी मनाते हैं, वैसे ही हमारे घर में भी हम नागपंचमी मनाते थे और जो पूजा पाठ है वो सब हम भी सांपों के नागपंचमी को हम हमेशा हमारा पूरा परिवार बड़ी श्रद्धा से करते थे। जो कि हमारे देश में नागपंचमी बड़े ही तादाद में मनाते हैं, तो वैसे ही हम भी नागपंचमी मनाते थे और अभी तो हमें अभी भी हम उसको हम तो हमेशा उसको अच्छी नज़रे से देखते हैं सांपों को। तो हर साल तो नागपंचमी के दिन बहुत सारे कॉल आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सांप पकड़ते हैं क्योंकि उस दिन को लोग जो मारने वाले हैं वो भी नहीं मारते हैं, तो उस दिन के लिए सांपों की बहुत ज़्यादा जान बच जाती है। तो हमें तो लगता है कि हमेशा नागपंचमी रहना चाहिए क्योंकि वो लोग नहीं मारेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो निर्जरा जी वैसे ही मनाते थे, मतलब क्या अलग होता था वगैरह गांव में, मतलब झूले वगैरह बना, हमारे गांव में तो झूले अभी थोड़ा हमारे गांव में तो झूले बनते हैं और जो लड्डू बनाते हैं, चूड़ा बनाते हैं, ये सब और हर घर घर में जाके बांटते हैं और जो बालों में वो क्या बोलते हैं उसको, गजरा माला, वो सब ऐसा है करके हम साड़ी पहनना ये सब करते थे और झूले पर झूलते थे, दिन भर वही हमारा काम था, वही करते थे। ऐसा कोई खास जगह वगैरह वहाँ पर दूध डालने जाते थे? हाँ, वो सब रेडी होके साड़ी कुछ तो अलग सा ऐसा पहराव करके हम दूध जो भी है वो पूरा पूजा पाठ का सामान लेकर, खास करके दूध वगैरह लेकर हम जहाँ पर सांपों का बसेरा होता है ऐसा बोलते हैं वहाँ पर हम जाकर पूजा पाठ करके आते थे। तो आप में से हम भी हैं, लेकिन ये नाग पंचमी जो है काफ़ी लोगों को उसमें से दिलचस्पी है, सवाल उठते होंगे कि क्या है सही में, और हमने जहाँ तक पढ़ा है क्या उसके बारे में बताते हैं, दो तीन कथाएँ मैं बताऊँगा जो नाग पंचमी मनाई गई इसके उसके कारण मनाई गई ऐसा कहा जाता है। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर बड़े पैमाने में नागपंचमी मनाते हैं, देश भर मनाते हैं, उसमें से भी महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाते हैं। तो महाराष्ट्र में पांच बहुएँ थी, चार बहुएँ जो थी उनको मायका था, वो वहाँ पर पूजा करने के लिए नागपंचमी के दिन गई, लेकिन एक बहू ऐसी थी जिसको मायके नहीं जा सकती थी, वो अपने घर में बड़े श्रद्धा से पूजा करती थी और नाग देवता उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उनको खूब
संपत्ति प्रदान की या उनको जेवरात प्रदान किए, उनको आशीर्वाद दिया, और तब से नागपंचमी मनाई जाती है और बहुओं के लिए, बेटियों के लिए खास त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। महाराष्ट्र में एक प्रचलित कथा के द्वारा ऐसा ही कहा जाता है, खासकर वो ज़्यादा प्रचलित है। एक किसान नागपंचमी के त्यौहार के दिन खेत में हल चला रहा था और उस वक्त सांपों के बच्चे, नाग सांप के नागिन के बच्चे कुचल दिए गए और मार दिए गए। नागिन को इसका बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से से उस परिवार को इस नागिन ने डस के ख़त्म कर दिया। और उसमें एक बच्ची थी, उनकी बेटी जो उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसको काटने के लिए वो गया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा, नाग देवता ने, नागिन ने खासकर, कि वो पूजा कर रही थी नाग देवता की। तो ये नागिन का गुस्सा ठंडा हो गया, उसको तरस आ गया और सब परिवार को उसने जीवित कर दिया पुनः। और तब से पूरा परिवार नागपंचमी उस दिन से मनाने लगा, या खेत में काम करना उस दिन वर्ज्य माना गया और उस दिन हल चलाना, खेत में काम करना नहीं चाहिए। और ये इसका एक कारण बताया जाता है कि सांप है, कुछ बच्चे वगैरह है, तो उसको कुचला ना जाए। ये एक हमें संदेश जाना ज़रूरी है। गुजरात में एक कथा एक प्रचलित है, एक आलसी कामचोर पति था, पत्नी बार बार डांटती थी कि तुम काम पे जाओ, तो एक दिन उसको उठाया, शरबत का घड़ा उसके हाथ में थमा दिया और तुम अभी काम पे निकल जाओ, रास्ते में पीने के लिए तुम्हारे साथ शरबत दिया है। पति तो आलसी था, थोड़ी देर चला, थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बाद में पानी शरबत पीने के लिए घड़ा खोल दिया तो उसमें सांप था। तो उसको लगा कि ये मेरी पत्नी की चाल रहेगी, तो वो दोबारा वही घड़ा लेकर घर में आया। घर में दोबारा खोलने के बाद उसके बच्चों ने या पत्नी ने, उनको लगा कि कुछ मिठाई वगैरह लाए होगी, तो खोल दिया तो उसमें हीरों का हार था। तो उनको लगा अब ये हमारे गांव के जो शेठ जी है उनको ये दे देंगे, तो शेठ जी को उन्होंने दिया ताकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन शेठ जी जब दोबारा इस घड़े को खोल दिया तो उसमें एक छोटा बच्चा उनको दिखाई दिया, शेठ जी को बच्चा नहीं था। तो वही बच्चा उन्होंने अपनाया, बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। लेकिन उसकी शादी होने के बाद नई बहू थी, उसको कहीं से शक हुआ कि ये मेरा जो पति है ये कोई मानव से निर्माण हुआ नहीं है। तो वो पूछने लगा कि आपके पुरखों में क्या है, आपका पिता कौन है सही में। तो पति कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो एक दिन बहुत जबरदस्ती करने के बाद वो अपनी दुल्हन को लेके, पत्नी को लेके दूर गया और एक कुएं में उसने झलान लगा दी। तो पत्नी दुल्हन को बहुत दुख हुआ और उसने उसको किसी ने बता दिया कि आपका पति नाग देवता से उत्पन्न हुआ है और आप नाग देवता की पूजा कीजिएगा। तो उसने अपने श्रद्धा से नाग देवता की पूजा की, पति वापस आया और वो दिन था नागपंचमी का, तब से नागपंचमी मनाते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएँ बताई जाती है। नागपंचमी हम जब छोटे थे, जैसे निर्जरा जी ने बताया, हम भी बनाते थे। और ऐसा है कि हालांकि मैं उनसे थोड़ा बड़ा हूँ तो थोड़ी और जानकारी या और थोड़ा जो हमारे गांव में चलता था पहले, जैसे आप जानते हैं कि पहले क्या होता था, अभी बदलाव कितना आया है। तो झूले पूरे गांव में होते थे, नागपंचमी ऐसा त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार लगता था। और मैं अभी जहाँ से बात कर रहा हूँ वहाँ से ठीक 100 मीटर दूरी पर एक ऐसी जगह है, वहाँ पर सांपों का बसेरा, मतलब चींटियों का घोंसला जो रहता है, घर होता है, वारूल कहा जाता है खासकर मराठी में। वहाँ पर सांप रहते हैं और उनको वहाँ पर सांप रहते हैं ऐसा मान के हमारे गांव के लोगों के साथ मैं भी वहाँ पर पूजा का पूरा साहित्य लेके वहाँ पर जाता था और वहाँ पर पूजा करते थे। लेकिन एक बात जो आपको कड़वी लगेगी, वहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा कि दूध पीने के लिए कोई सांप वगैरह आया है। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन मैं इस काम में जब जैसे आया तो सांप तो दूध पीते हुए हमने नहीं देखे और काफ़ी बार अपने वीडियो में भी हमारा जिक्र देखा गया है। तो नागपंचमी एक तरफ है और दूध डालना,
और उस वक्त दूध बहुत डाला जाता है, अभी थोड़ा सा बदलाव और यही दूध जमा कर कर छोटे बच्चों में अनाथ बच्चों में बांट देने का अभी चल रहा है, उसमें वाद विवाद होते हैं। आप अपने जगह सही है, श्रद्धा से काम कर रहे हैं, लेकिन दूध सांपों का आहार नहीं है, साइंटिफिक बात है और कड़ी भी है, लेकिन सांप नाम का प्राणी मांसाहारी है, अगर वो दूध भी पीता है तो वो पानी समझ कर पीता है। वैसे तो सांपों को रंगों का ज्ञान नहीं है, अगर कोई पैसा सांप के सामने आप पानी रखेंगे तो पानी पिएगा, वो पैसा सांप है शरबत रखेंगे तो शरबत पिएगा, अगर उसके सामने आप शराब रखेंगे वो बेचारा पैसा है तो शराब पिएगा, इसका मतलब हमारा सांप शराब पीता है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं होना चाहिए। मतलब बदलाव है वो हमें स्वीकार करना चाहिए, और सत्य ये है सांपों का आहार नहीं, मतलब गलत आहार देना तो वो भी उसके लिए अन्याय है। दूसरी बात, इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठा रहे, ये सबसे खतरनाक बात है। जैसे कि सफेरे वाले सांपों को दिखा के नागपंचमी के दिन आप उनको पैसे अर्पण करते हैं या दूध के लिए पैसे देते हैं, वो नहीं चूहा कहेगा सांप तो चूहा खाने के लिए पैसे आप नहीं देंगे, दूध का नाम से वो पैसे लेते हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि वो सफेरे वाला जो एक तो शराबी रहता है, खुद जाके उसकी शराब पीता है, ये बुरी बात है, और वो जो सांप उसने अपने साथ लाया है उसके उसने दांत निकाले हैं, उस सांप से इस नागपंचमी से कोई भी मतलब नहीं है, बेचारा वो सजा भुगत रहा है उसके साथ, और हम उसको पैसे दे के इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम ऐसे ही उसको तकलीफ देते रहो, ये तो हमारे धर्म में या श्रद्धा में नहीं बैठता, तो ये गलत बात है। तो हम नागपंचमी मनाना चाहिए, श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए, और ये श्रद्धा जो है सांपों को बचाने के काम आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि नागपंचमी जो है स्नेक डे, सर्प दिवस, और वो सर्प दिवस ऐसा हो जो अंधकार हमारे जीवन का डर खत्म करे, अंधविश्वास खत्म करे, और हम नए उजाला मतलब सांपों के साथ पर्यावरण अन्य प्राणियों की भी कदर करें, इस दिन को इस तरह से मनाया जाए ऐसा हम मानते हैं। नागपंचमी तो हम रोज आना चाहते हैं बोलते हैं, क्योंकि लोग कहीं लोग नागपंचमी के दिन सांपों को नहीं मारते, वो बोलते हैं नागपंचमी आज नहीं मारेंगे, अभी आज नहीं मारेंगे और कल मारना चाहिए, ये कहाँ की श्रद्धा है। तो हम बोलते हैं रोज रहेंगे तो रोज सांपों को नहीं मारेंगे, तो उसके साथ आप उसको देखने का नज़रिया बदल के सांपों की जानकारी ले और उसको नहीं मारना चाहिए, हम क्यों डरते हैं और ये डर खत्म हो जाएगा आप नहीं मारेंगे, ये सबसे बड़ी मैं श्रद्धा मानता हूँ। तो साइंस अलग बात है, तो हमारी श्रद्धा अलग बात है, लेकिन साइंस क्या कहता है। देखिए नागपंचमी किस तरह से इंसान मनाता है इसकी कथा है मैंने बता दी, उसकी हम कदर भी करते हैं, लेकिन इंसान नाम का प्राणी नहीं था उससे 5 करोड़ साल पहले, मतलब सस्तन प्राणियों से भी 2 अरब साल पहले सांप इस धरती पर था। पहले वो समुद्र में था, पहले उसको पांव थे, अन्य प्राणी उनकी भीड़ समुद्र में बन गई, वो जमीन पर आ गया, वो बहुत बड़ा इतिहास है। तो 5 करोड़ साल पहले हमारे से भी मतलब धरती पर उनका हर प्राणियों का अधिकार है, तो उस तरह वो जीते थे। लेकिन अभी कितनी जानकारी गलत फहमी है, अंधविश्वास है, तो सोचिएगा पहले जब इंसान ने सांप को देखा होगा, उसको पाँव बिल्कुल नहीं है और वो रेंग रहा है, उसको ये ताज्जुब वाली बात लगी, और ये कोई ऊपर से भेजा हुआ या हमें चमत्कार जैसा ये प्राणी है, उस पर कुछ शक्ति है ऐसा उसको लगा, उसके आँखों के ऊपर पलके नहीं है तो आँखों से वो कुछ मोहिनी का इस्तेमाल करता है, इंसान को जकड़ लेता है ऐसा मानता इंसान मानने लगा, और उसका स्किन जो है वो स्किन छोड़ता था, मतलब अपना रूप पुनर्जन्म होता है, वो स्किन कैसे निकालता है, मतलब ये सब बातें। सबसे बड़ी बात, सांप काटता है उससे भी ज़्यादा सांप चख लेता है, टच कर लेता है। अभी भी कुछ सांपों के बारे में गलत फहमी है कि कुछ सांपों ने चखने से कुछ होता है, वो जीभ से चख लेता है, स्पर्श कर लेता है तो हमें कुछ होता है। तो पहले का इंसान जो था, आदि मानव जो था, उसको ऐसा लगा कि सिर्फ चखने से टच करने से हम मरते हैं, मतलब इसके अंदर दैवी शक्ति है और ये पाप करने वालों को सजा देने के लिए हमें ऊपर वाले ने भेजा है, तो इसकी शरण में जाना चाहिए। तो इसलिए उस सर्प पूजा का जन्म हुआ ऐसा माना गया है। पूरे विश्व में हैती में भी बहुत बड़ा त्यौहार होता है, कई जगह पर सांपों के लिए पहले से कानून बने हैं, हमारे देश में भी है, कानून बनने से कुछ नहीं लेकिन ये श्रद्धा उसको बचाने के काम आनी चाहिए। कड़वी बात, लेकिन हमारे देश में पूरी दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा श्रद्धालु सांपों की पूजा करते हैं। किताबों में आप पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है कि सांप भगवान है, उनकी पूजा करना चाहिए, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, इतने सर्प मित्रों को सांपों को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
किसान का मित्र है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा किसान ही सबसे ज़्यादा सांपों को मारते हैं, इंसान भी मारते हैं और उसके कारण डर है। लेकिन आप गहराई में जाएंगे, हर सर्प मित्र ने दावे के इसका साथ कहता है, जो मैं भी दोहराता हूँ, 90% गलत फहमी से, मतलब पूरी दुनिया में देश में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु सांपों की पूजा करते हैं भारतवर्ष में, और सबसे ज़्यादा सांपों को मारा जाता है गलत फहमी से हमारे देश में, और किसान ही ज़्यादा मारते हैं, मतलब सांप किसानों का मित्र है और किसान सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि किसान ही ज़्यादा सांपों को मारते हैं, उसके अलग अलग कारण हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, मतलब सांपों की मूर्तियों की पूजा वो भगवान है, लेकिन सही में सांपों को मारना, मतलब उसके साथ बर्ताव जो है वो शैतानों जैसा है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उसमें से सही महीने में हम जाएंगे तो अलग अलग उसमें बातें निकलते आएगी, लेकिन इस बात को श्रद्धालु जो हमारे दर्शक भी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो चाहते हैं कि उनको बचाना चाहिए हर प्रकार से चाहिए। हम साइंटिफिक दृष्टिकोण होने के साथ भी सांप से भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और हम ये मैंने तो इसको लड़ाई माना है अपने जीवन की, और सांपों को मैं उस नज़र से देखता हूँ कि ये सांप जो है मेरे जीवन में, आप उसको भगवान मानते हैं, मैं सबसे बड़ा मेरे जीवन में जो अगर कोई प्राणी है तो सांप है, वो सबसे बड़ा मेरा गुरु है, वो नहीं रहता तो मैं शून्य हूँ। तो इतनी बड़ी अहमियत है मेरे जीवन में सांपों के लिए। तो ये सर्प दिवस, नाग पंचमी दिन, ये जो है वो स्नेक डे, मतलब सांपों को बचाने के साथ अंधविश्वास हमारे जीवन में अंधकार दूर करने के लिए वो ऐसी उम्मीदें हम लगाते हैं। हमसे भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, वो हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह ये सांपों को बचाने का सफ़र दिन रात तूफान बारिश है कुछ भी जारी रहेगा, आप भी इसी तरह जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमें करते हैं, हमें जितनी उम्मीद थी आपसे उससे भी कहीं ज़्यादा सांपों को मारना लोगों ने और बंद किया है, तो ये हमारी सफलता मानते हैं। तो निर्जरा जी भी इस काम में जुड़ी रही, आज प्रशांत जी भी आए और उनके साथ हमें वीडियो बना पाए, और फिर एक बार हम दोनों और हमारी टीम जो है गुरुकुल यूटेक, वो सब हम आपको सब देशवासियों को इस देश में समाज जो दुनिया में रहने वाला समाज जो सांपों के प्रति श्रद्धा रखता है उनको नमस्कार करते हैं और यहाँ पर इस बात को रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए। धन्यवाद।